शिवपुरी में भूसे के गट्टे बनाने वाली फैक्ट्री में एक 17 साल के नाबालिग मजदूर की मौत करंट लगने से हो गई। नाबालिग की मौत के बाद परिजनों ने फैक्ट्री के संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। देहात थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देहात थाना क्षेत्र के राजपुरा रोड का रहने वाला 17 वर्षीय अमन जैन पुत्र मनोज जैन बड़ोदी क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप के सामने जीपीएस नाम की भूसे के गट्टे बनाने की फैक्ट्री पर हेल्परी का काम करता था। यह फैक्ट्री होटल राज पैलेस के मालिक राजमल गुप्ता की बताई गई है। मृतक के चाचा रवि जैन ने बताया कि आज सुबह 6 बजे अमन फैक्ट्री में काम कर रहा था। इसी दौरान उसे किसी ने बिजली के स्विच दबाने की बात कही थी। जब अमन ने बिजली का स्विच दबाया तो उसे तेज बिजली का झटका लगा, जिससे वह जमीन पर ही गिर गया। करंट लगने से अमन की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अमन को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने अमन को मृत घोषित कर दिया। मृतक अमन के चाचा रवि जैन ने बताया कि जिस बिजली के स्विच से करंट लगने से भतीजे की मौत हुई है, वह स्विच 2 माह से खराब पड़ा हुआ था। काम करने वाले मजदूरों ने इसकी शिकायत भी मालिक से दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी लापरवाही के चलते आज भतीजे अमन की मौत हो गई। दूसरी लापरवाही भी फैक्ट्री मालिक द्वारा बरती गई, जहां नाबालिग को रोजगार दिया। देहात थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नाम है आपका? रवि जैन। ये आपका कौन था? मेरा भतीजा। कैसे मौत हो गई इसकी? ये जीपीएस कंपनी में सीआरपी कैंप के सामने जो कंपनी है, उसमें लेबर पे काम करता था। कितना महीना हो गया इसको? 1.25 महीने। कितनी उम्र होगी? 17 साल। 17 साल। क्या काम करता था? हेल्परी पे। हेल्परी पे बनता क्या उसका? ये उसके गट्टे वगैरह का काम होता। उसके गट्टे। तो इसमें मालिक कौन है? मालिक कौन है नाम उसका? राजमल। राजमल राज पैलेस वाले। राज पैलेस वाले। अच्छा, तो इसमें बच्चे को करंट कैसे लगा? बच्चे को करंट हेल्परी पे था, तो इन्हें ऐसा बोला की स्विच को दबा दो। दबाने पे उसकी सीधा करंट लगने पे मौत हो गई डायरेक्ट। स्विच खराब था? स्विच खराब था। 2 महीने से उसमें कंप्लेंट थी, मालिक ने उस पर एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लिया। लेबर का कहना है बाकी। लेबर का कहना? हाँ। और बच्चा तुरंत स्पॉट पे खत्म हो गया? बच्चा स्पॉट पे खत्म हो गया। क्या नाम बच्चे का? तो अमन जैन। अमन जैन। तो आप लोगों का अब क्या, मालिक आए हैं? हाँ, मालिक नहीं आया, कोई देख रेख नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं किया गया मालिक ने अभी तक। मालिक से आपने बात करना चाहिए? अपन ने मालिक से बात करना चाहिए, अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 20 मिनट में आ रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं आया। और सुबह 6 बजे की वारदात है। वहाँ सेफ्टी के कुछ इंतजाम थे क्या? कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, सिवाय लापरवाही के फैक्ट्री में कुछ नहीं होता। वहाँ पर नाबालिग बच्चे हैं 6-6 साल के, 8-8 साल के, उनको नौकरी पे लगा के उनको झांसा दिया जा रहा है। कितनी तनख्वाह मिलती थी उसको? उसको 8,000 रुपये। कितने घंटे की ड्यूटी थी? 12 घंटे की ड्यूटी, पूरी नाइट। आपको कितने बजे सूचना मिली थी? हमको सुबह 6 बजे। कितने बजे इसको करंट लगा? 6:45। 6:45। किसके द्वारा सूचना मिली? मेरा बड़ा भतीजा वहीं पे जॉब करता है, कुणाल जैन। एक तो मौत हुई है गट्टे की कंपनी में काम, वो फैक्ट्री में काम करने करंट लगने से। क्या मामला है? ये बताया गया है कि उस करंट लगने से मौत हुई है। अभी और जाके मैं जांच कर रहा हूँ, जांच के दौरान देख रहा हूँ। गोदाम किस जगह स्थित है? गोदाम सीआरपी के सामने होता रहा है। अभी मैं वहाँ गया नहीं हूँ, अभी सीधा मुझे यहाँ सूचना मिली, जैसे मैं हॉस्पिटल आ गया। अच्छा, क्या नाम है उसका? मनोज। मनोज नाम है। अमन नाम, अमन पुत्र मनोज। उम्र कितनी है बच्चे की? इसकी 17-18 के साल के समथिंग। रहने वाला ये पुरानी सिटी राजपुरा रोड। मौत हो गई? हाँ, करंट लगने से। करंट लगने बता रहे हैं, वो अभी आए हैं हॉस्पिटल में, डेथ अवस्था में लाए हैं।